हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब पे। देखो, आज जो हम करेंगे वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। बच्चों ने मेरे से बहुत बार डिमांड की कि मैम हरियाणा पुलिस के एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहेगी, वो सारे की सारे एग्जाम स्ट्रेटेजी बता दीजिए और पेपर कब हो सकता है ये बता दीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो एग्जाम स्ट्रेटेजी है, एग्जाम कब हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में करेंगे कि आपके एग्जाम जो है वो किस टाइप से आ सकता है, कैसा आ सकता है। देखिए बच्चों, दो चीजें हैं, दो चीजें क्या हैं। एक तो पहले जो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो 2019 में हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, कब हुआ था बच्चों, 2019 में, एक बात तो ये है, ठीक है। और जो दूसरी बात है वो क्या है बच्चों, कि एक है कि अब 2021 में ग्राम सचिव का पेपर हुआ, टोटली डिफरेंट था, ठीक है। टोटली क्या था, डिफरेंट था। कि मैंने इसीलिए टाइम लिया कि मैं सारी चीजें देखूं पहले, सारी चीजों को एनालाइज करूं कि वहां क्या हुआ था और यहां क्या मतलब सीन क्रिएट हुआ, तो जाके मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चों एक चीज देखो, जब हमने ग्राम सचिव का जो पेपर देखा है ना, तो ग्राम सचिव के पेपर में आपको ग्राम पंचायत या पंचायती राज या सारे क्या लगा लो जो पंचायती राज है, यहां से लगभग आप 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले आपको। कितने क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। यानी ग्राम सचिव का पेपर था तो पेपर के रिगार्डिंग उन्होंने क्या दे दिए, 15 से 20 क्वेश्चन दे दिए। यानी हरियाणा जीके तो आती ही आती थी 25 नंबर की, उसके साथ इंक्लूड करके ये क्वेश्चन दे दिए, समझ गए। एक तो सबसे पहले आप ये 15-20 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे हरियाणा पुलिस की जितनी भी धाराएं बनती है, पुलिस मतलब पुलिस के जो डिपार्टमेंट है उसकी जितनी भी रिट है वो बनती है, ठीक है। जितने भी आप ऐसे लगा सकते हो पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो डेफिनेटली बनेंगे बच्चों, डेफिनेटली बनेंगे। धाराएं आएगी, सब कुछ आएगा, लगभग 15 क्वेश्चन तो मान के चलो कि यहां से बनेंगे। तो ये तो बात मैंने मिलती जुलती बता दी इससे। अब जो कंप्यूटर पहले आया था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, ठीक है, टोटली पाइथन पूछ रखी थी आपसे, सी लैंग्वेज का पूछ रखा था, तो पाइथन और सी लैंग्वेज जो पूछ रखी थी ना वो बिल्कुल बेसिक थी। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज तो पूछ रखी थी आपसे, लेकिन लैंग्वेज का जो बिल्कुल स्टार्टिंग हिस्सा है ना वो पूछ रखा था, समझ गए। तो क्वेश्चन कितने थे, 8 लगभग, इसमें भी ग्राम सचिव वाले पेपर में भी 8 क्वेश्चन थे। तो मेरी बात सुनो, इसमें 8 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्यूटर के आएंगे ही आएंगे हरियाणा पुलिस के पेपर में, 100% आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आप सोच रहे होगे कि बेसिक आएगा या क्या आएगा, तो बेसिक कंप्यूटर का हिस्सा तो 5-6 दिनों की ही बात है, 5-6 दिनों की ही मार है, ठीक है, 5-6 दिनों की ही मार, आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। और उसके बाद में एक चीज और, जो मतलब आप पाइथन वगैरह ये बोल रहे हो, तो वो स्टार्टिंग वाली चीज जितनी भी लैंग्वेज बनती है, चाहे सी लैंग्वेज बनती है, चाहे सी प्लस प्लस बनती है, चाहे पाइथन बनती है, चाहे जावा, उसकी जो स्टार्टिंग वाली चीजें है ना वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। और अपनी ऐप पे तो कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, लगभग जो अपना ये कंप्यूटर का कोर्स है ये 249 रुपए का ही है, तो उसपे तो आपका क्लासेस चला भी है। सॉफ्टवेयर वहां पे मैं करवा चुकी हूँ, कवर करवा चुकी हूँ वहां पे भी, और सॉफ्टवेयर के आगे आज मैं उसमें दोबारा नया चैप्टर जो है वो शुरू करूंगी, ठीक है। तो वो रिकॉर्डेड रहेगा, वो रिकॉर्डेड है, आप जब मर्जी जब चाहे देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें कि रात को देखना है सुबह देखना है क्लास, वो रिकॉर्डेड है। वो मैंने बच्चों की मांग के अकॉर्डिंग ही बनाया, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, कुछ लोगों ने एकेडमी भी ज्वाइन कर रखी है, तो वो रिकॉर्डेड है, सारी की सारी क्लासेस जो है वो क्या है, रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसके बाद में चलो, लाइव क्लासेस में तो मैंने देखा बच्चे कमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, टीचर भी बोलेंगे कमेंट करो कमेंट, हमारे जैसे भी बोलते हैं कमेंट करो, ध्यान भटकता है उसमें, चीजें समझ में नहीं आती, तो उसको सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन वो किया क्या, रिकॉर्डेड। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके नंबर दे रखा है, पूछ लेगा। अच्छा, उसके बाद में ये तो था कि दो
चीजें हमने देख ली, कौन सी देख ली, एक तो मैंने बोला कि पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन ग्राम सचिव में आएंगे, उसी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन हरियाणा पुलिस वाले पेपर में आएंगे। अब बात आती है मैथ की, कि मैथ जो आएगा वो एडवांस आएगा या फिर अर्थमेटिक। तो मेरी बात सुनो, अर्थमेटिक और एडवांस छोड़ के आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कम से कम 10 से 12 चैप्टर बनते हैं, इनको 100% करके जाना, 100%। क्लियर है? नंबर सिस्टम पेपर में जरूर आएगा जी, आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं आपका। मैंने जितने भी पेपर जो अब हो रहे हैं एनालाइज किए हैं, उनमें नंबर सिस्टम चल ही रहा है, नंबर सिस्टम आएगा ही आएगा। ठीक है? तो और एक आप जो कर लेना वो कर लेना ट्रिग्नोमेट्री। क्या कर लेना? ट्रिग्नोमेट्री। नंबर सिस्टम तो मस्ट है ही, और उसके साथ साथ एडवांस मैथ का एक पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी जरूर कर लेना। क्लियर है इतनी बातें? और जो वो आपने पीछे देखे होंगे पेपर में बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे बच्चों, वो सारे नंबर सिस्टम से ही निकले हैं। किससे निकले हैं? नंबर सिस्टम से निकले। नंबर सिस्टम आएगा और अपनी ऐप पे चल भी रहा है नंबर सिस्टम। क्लियर है इतनी बात? समझ रहे हो इस चीज को? तो अब जो चीजें डिफरेंट थी वो मैंने बताई, अब एक चीज और कंफ्यूजिंग कर रही है, वो है हिंदी, कि हिंदी का लिटरेचर आएगा या ग्रामर आएगा। तो ये आपको बच्चों दोनों ही करनी पड़ेगी। लिटरेचर बच्चों 3-4 ही क्लासें बनेगी आपकी, लिटरेचर सारा हो जाएगा। किस कवि ने कौन सी क्लास ली, कौन सी पोएम लिखी, कौन सी कविता लिखी है, समझ गए ये चीजें, और किसके कौन से उपन्यास है, और ये सारी चीजें 3-4 ही क्लासों का जो है वो टाइम टेबल बनेगा, वो आपको करवा दी जाएगी। ठीक है? तो अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज और नोटिस करो, मैंने हरियाणा जीके बोली कॉमन है। ठीक है? हरियाणा जीके तो आती आती है, सबको पता है, लगभग 22 या 25 क्वेश्चन। ठीक है? सारा बता रही हूं मैं आपको क्या क्या सकता है। हिंदी, ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, लिटरेचर प्लस ग्रामर। ठीक है? उसके बाद में कंप्यूटर, कंप्यूटर 8 क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कर लेना। वैसे मैंने YouTube पे भी वीडियो डाल रखी है, लेकिन वो बेसिक है, और भी डाल देंगे YouTube पे भी वीडियोस, लेकिन ऐप पे कोर्स भी चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मान के चलो। इंडिया जीके, फिर जब ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंडिया जीके आएगी 10 या 12 क्वेश्चन। साइंस 7 या 8 क्वेश्चन। ठीक है? उसी तरीके से इंग्लिश लगभग 7 से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग लगभग आप ऐसे लगा लो 7 से 10 क्वेश्चन, मैथ 7 से 10 क्वेश्चन, करंट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये मैंने 4 से 5, 8 से 10 ऐसे लिखा है कि 8 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये नंबरिंग जो है वो फिक्स नहीं की HSSC ने। तो अब जो मेन फोकस करना है, जो पेपर पास करवाएगी वो चीज कौन सी है, अब हम वो बात करेंगे जो चीज पेपर पास करवाएगी। हरियाणा जी के हर कोई करके बैठा है, तो इस पे तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, आपको करनी ही करनी पड़ेगी। सभी बच्चे जिनका पेपर क्लियर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग भी करके बैठे हैं। हिंदी है, ग्रामर आप बहुत कर चुके होंगे अब तक, लिटरेचर का थोड़ा सा पार्ट कर लेना। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब जो चीज पेपर पास करवाएगी वो है ये कंप्यूटर, और ये जो पुलिस के 15 क्वेश्चन। ठीक है? और उसके बाद में आप साइंस, और उसके बाद में मैथ, क्योंकि ये इंग्लिश बच्चों के बस की नहीं होती, जो कर लेता है इंग्लिश कर लेता है उसकी, मैं आपको सही बात बताऊं, जो जिसका इंग्लिश और मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी कहीं ना कहीं जीके कमजोर होती है, तो वो सेम ही बात हो जाती है। ठीक है? तो मैथ है ये आपको करना पड़ेगा, और इंग्लिश है इसको आप, अगर मैथ और इंग्लिश आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंग्लिश नहीं आती तो बच्चों बस जो प्रैक्टिस सेट में दे रखी है ना, मेरी इतनी बात मान लेना, जो प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश दे रखी है, जो प्रैक्टिस सेट आता है किसी भी चीज का, प्रैक्टिस सेट ले आओ हरियाणा में, जो पीछे पेपर हुए उनमें जो इंग्लिश दे रखी है वो कर लेना, मैथ भी सिर्फ वही कर लेना। ठीक है? और उसके बाद में करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर डेली न्यूज वगैरह सुनते रहते हो, वहीं से 2-4 जो करंट अफेयर है वो आ जाएंगे आपके। क्लियर है? तो अब एक चीज यहां पे देखिएगा, ये नहीं तो करंट अफेयर पे तो 2-3 सेशन दे देंगे आपको पीछे, जितने भी करंट अफेयर पुरस्कार वगैरह ये सारे के सारे, वो सेशन का टाइम आपको बता देंगे, यूट्यूब पे ही कर देंगे, कोई
बात नहीं है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी। अब इसमें जो मेन पॉइंट रहने वाला है वो मेन पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है, फिर उसमें देखना है कि मेरी कमी, क्योंकि सभी की कमियां सेम नहीं होती, हर किसी की कमी अलग अलग होती है, और अपनी कमी आप खुद फाइंड आउट करोगे। आप ये देखोगे कि मेरी कमी जो है वो कहाँ पे है, किस सब्जेक्ट में है, उसको आपने क्या करना है, पूरा करना है। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए, तो जब आप कमी पूरी करनी शुरू कर दोगे अपनी, तो आप देखते जाओगे कि मेरे नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। बच्चों ऐसा ही हुआ, अभी सीटेट का एग्जाम था अपने यहाँ पे, मैंने सिर्फ 10 दिन प्रैक्टिस सेट ही करवाए बच्चों को, सिर्फ 10 दिन प्रैक्टिस सेट अपनी एकेडमी पे, शिक्षा पे सिर्फ 10 दिन प्रैक्टिस सेट करवाए, और बच्चों के 4 ही बच्चे थे अपने पास सीटेट जिनका, और चारों के चारों का कल आंसर की आई है, सबका क्लियर, सबका क्लियर। वो सिर्फ 10 दिन के प्रैक्टिस सेट के लिए, वो बच्चे 20-25 दिन से ही अपने पास थे, क्लियर है, उसमें से 10 दिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट से, क्लियर है ना इतनी बार, ठीक है। तो अब अपने जो ऐप है शिक्षा हब ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उस पे जो हरियाणा पुलिस का कोर्स है, ठीक है, मैंने आपको बताया था 23 फरवरी को बर्थडे है, तो उसके उसमें जो 999 रुपए वाला कोर्स है वो 549 का कर दिया, ग्राम सचिव का भी 549 का कर दिया। उसी तरीके से कंप्यूटर का कोर्स सिर्फ 249 रुपए का है, ठीक है। साइंस का कोर्स भी जो मेरा पर्टिकुलर था वो भी मैंने कम कर रखा है। लैब अटेंडेंट का कंप्लीट कोर्स था वो भी 549 रुपए का मैंने कर रखा है, वो आप वहां से क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे वहां पे चल रही है, क्रैश कोर्स की तरह हम उसको लेके चल रहे हैं, समझ गए। उसके बाद में जो पेपर की डेट है, तो पेपर मैं आपको बता दूं बच्चों, अप्रैल तक, अप्रैल के लास्ट तक जाएगा, मार्च में कोई भी चांसेस नहीं है बच्चों की हरियाणा पुलिस का पेपर जो है वो होगा, अभी तक तो यही है, अप्रैल के लास्ट तक जो हरियाणा पुलिस का पेपर है। क्योंकि एक बात सोचिए आप लोग कि बहुत से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, अभी मैं जो आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन बात करूंगी, बहुत से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, लगभग 15 लाख के करीब बच्चे जो है वो फॉर्म अप्लाई करके बैठे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब प्राइवेट सेंटरों को तो बाहर निकाल दिया, प्राइवेट सेंटरों को बाहर निकाल दिया, सिर्फ गवर्नमेंट सेंटरों में एग्जाम होगा। तो आप सोचिए कि कितना लंबा, अब ये जो आगे जो पेपर है, ग्राम सचिव का पेपर पहले होगा हरियाणा पुलिस से, लैब अटेंडेंट का पेपर पहले होगा, तो ये जितने जितने छोटे छोटे पेपर है उनको लेने में भी बहुत ज्यादा टाइम गवर्नमेंट का लगेगा, क्योंकि प्राइवेट सेंटर तो है ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है, और कोरोना के कारण खुला खुला वैसे ही बिठाना है बच्चों को, है ना, एक सेंटर में फिक्स सीट होगी। तो ये चीज है बच्चों जो पेपर को पीछे लेके जाएगी, तो आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे मत सोचिए कि पेपर देना है, भाई पेशेंस जिसके भी इंसान के पास होते हैं ना, उसकी हमेशा जीत होती है, उसकी कभी भी हार नहीं होती। तो पेशेंस कर रख के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना के चलते जाओ, रियलिटी में इसका एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था शिक्षा हब ऐप, को जरूर डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री मटेरियल भी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, और उसी तरीके से ये कोर्सेज के रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम कर रखे हैं हमने, वो आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।